मोहम्मद आरिस आज बहुत ही शानदार उन्होंने ऊपर से बैटिंग करी है, उसके बाद इफ्तिखार अहमद आते हैं चाचा हमारे, बहुत ही उम्दा उन्होंने और 108 मीटर का सबसे लंबा छक्का भी लगाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। उसके बाद शादाब खान जो है बहुत ही उम्दा उन्होंने बैटिंग करी है, 20 बॉलों पर 50 रन बनाए, इसी के साथ सारे बैट्समैन ने जो है अपनी कारकर्दगी दिखाई, उसकी बिना पर पाकिस्तान का जो स्कोर है 185 हुआ 9 विकेटों के नुकसान पर। देखिए आसिफ भाई, सुबह स्टार्ट में लग तो रहा था ऐसा कि पाकिस्तान स्कोर कर नहीं पाएगा, लेकिन पाकिस्तान ने फिर जो रिदम पकड़ा है बैटिंग ने, हमारी हमेशा मिडिल ऑर्डर पे बात होती है हमारी कि मिडिल ऑर्डर ऐसा है वैसा है, लेकिन अब बात हो रही है टॉप ऑर्डर पे। मुझे ऐसा लगता है कि अब जो है रिजवान और बाबर को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अपने जो है फॉर्म को अच्छा करे, तेज खेले। असल में मैं आपको बताऊं, देखिए जब ओपनिंग में अगर स्टार्ट अच्छा मिल जाए ना तो प्रेशर पड़ जाता है सामने वाली टीम पे। जैसे आज आपने देखा कि साउथ अफ्रीका जो है बड़ा होमवर्क करके आई थी, साउथ अफ्रीका की मामूली टीम नहीं है, आपको पता है कि बेहतरीन टीम है वो टूर्नामेंट की, तो उस वो पूरा होमवर्क करके आई थी, लेकिन जैसे ही उस पर बूस्ट किया है अपना हारिस ने, उसके बाद फिर जो पीछे खिलाड़ी आ रहे थे उन्होंने भी बूस्ट किया। अच्छा उसके बाद जब इसका फैसला हो गया और उनको जो टारगेट मिला, तो उसमें भी आप देखें कि आते साथ सबसे खुशाइन बात यह है कि आज आपके अफरीदी ने जो है परफॉर्मेंस करी है। शहनशाह अफरीदी बेशक वो रिदम में नहीं आए, उनकी बॉल जो है वो आगे पे वो स्विंग नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने लाइन और लेंथ वो पकड़ी है जहाँ से वो विकेट टेकिंग कर रहे हैं। अब आज जो उन्होंने लाइन पकड़ी वो अच्छी लाइन थी और वहाँ से लगा भी कि आज कुछ रिदम में वो, अभी जबकि वो भरपूर रिदम में नहीं है, अब जैसे वो भरपूर रिदम में आएंगे तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि फिर हमें जो है। लेकिन आज एक बात का बड़ा अफसोस हुआ कि हारिस रऊफ बहुत ज्यादा पिटे आज, पहले ओवर में 20 रन दिए, दूसरे में 17 दिए, बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा था कि टीम हाथ से जा रही। जब उन्होंने पहला ओवर कराया ना तो फिर बैक टू बैक उनको ओवर दिया ही नहीं, कप्तान ने उनका ओवर ही हटा दिया क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आज पिट रहे थे, लेकिन अच्छा फैसला किया कप्तान ने। साउथ अफ्रीका के जो खिलाड़ी है उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने जो चार्ज करना था, अब उन्होंने साउथ इस पे हारिस पे उन्होंने 400 किया है, लेकिन कोई मसला नहीं है। हारिस आपको पता है बेस्ट हमारा बॉलर है और आपको पता है कि दुनिया मानती है, अब ये कि नेक्स्ट में इंशाल्लाह अच्छा करेगा। बाकी साउथ अफ्रीका की कोशिश पूछती है, लेकिन अब हमारा जो अगला मैच है वो भी हम जीत जाएंगे और हमें अच्छे रन रेट से जीतना है, इंशाल्लाह जीतेंगे भरपूर तरीके से जीतेंगे। अब हमारा जो मेन मरकजी मैच है वो साउथ अफ्रीका का एक और मैच है जो आईलैंड है, अब यहाँ पे बारिश हो जाती है या वहाँ पे जो है ना साउथ अफ्रीका हारता है उनसे तो फिर तो पाकिस्तान का फायदा है, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल्स में जा सकती है, वरना जो है पाकिस्तान अभी दूसरे नंबर पे है रन रेट में, तो इंडिया से भी आगे, पहली नंबर की पोजीशन से भी आगे अभी रन रेट में, और इंशाल्लाह अगर बांग्लादेश से हमारी टीम जीतती है तो फिर और ज्यादा हमारा रन रेट हाई हो जाएगा, इंशाल्लाह बांग्लादेश से जीत जाएगी। बस उधर ही मसला आएगा कि अगर वो बारिश हो जाती है तो एक एक पॉइंट मिल जाएगा, तो उससे ये बेनिफिट हो जाएगा आपको कि आपके चांसेस रोशन है, लेकिन ये कि बहरहाल अब तो टूर्नामेंट आपको पता है कि अपने अगले सफर की तरफ रवा दवा हो गया, क्योंकि अब सेलेक्ट होंगी टीम है, तो हमें ये कि इससे काफी कुछ सीखने को भी मिलेगा और ये कि आइंदा के लिए बारिश की वजह से थोड़ा सा मुतासिर हो रहा है ये T20 वर्ल्ड कप, थोड़ा ICC को भी थोड़ा सोच समझ के रखना चाहिए था। इंडिया को आप देख लीजिए, इंडिया को इतनी अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी टीम नहीं है इंडिया आखिरी ओवर में तो मैच जीत रही है, क्या फायदा ऐसी बड़ी टीम होने का, उसने वो ऐसे ही जीता है। चलो जी इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करेंगे अपने शो में दूसरी टीम्स के बारे में, अभी हमें फिलहाल इजाजत दीजिएगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।